दोस्तों आप भी अपने जियो के मोबाइल नंबर पर कोई भी मनपसंद का सॉन्ग या फिर कोई भी रिंगटोन लगाना चाहते हो तो सही वीडियो पर आई हो। तो दोस्तों आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों लेटेस्ट प्रोसेस में कंप्लीट आपको बताने वाला हूँ, तो आपको वीडियो को कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप फुल वॉच करना होगा। तो चलो शुरू करें। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन के अंदर माय जियो ऐप को डाउनलोड कर देना है। यदि आपने डाउनलोड नहीं किया तो गूगल प्ले स्टोर ओपन करना है और यहाँ से आपको माय जो ऐप को डाउनलोड कर देना है। उसके बाद आपको अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर चला जाना है और इसे ओपन कर देना है। अब दोस्तों जैसे आप माय जियो एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो आपको अपने जियो के मोबाइल नंबर को यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद फिर जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे आप जनरेट ओटीपी पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपसे एक अलाउ का परमिशन मांगा जाएगा, तो आपको अलाउ पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे आप अलाउ पर क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट का ओटीपी आएगा, यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद नीचे सबमिट। अब दोस्तों जैसे सबमिट पर क्लिक करोगे तो आप कुछ इस प्रकार से माय जियो ऐप के अंदर लॉगिन कर लोगे। तो उसके बाद आपको नीचे प्रोसीड का परमिशन देना होगा, तो इस पर क्लिक कर देना है। कॉलर ट्यून को सेट करने के लिए नीचे आपको जियो ट्यून्स पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे आप जियो ट्यून्स पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से जियो सावन करके एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके सामने मल्टीपल ट्यून्स ओपन हो जाती है। यदि दोस्तों इसमें से कोई भी ट्यून्स है तो सीधा सिलेक्ट कर सकते हो, वरना दोस्तों ऊपर आपको जियो सर्च पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे यहाँ पर सर्च करोगे तो सर्च पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपने ट्यून को सर्च कर लेना है। अब दोस्तों देख पा रहे हो मैंने अपने ट्यून को यहाँ पर सर्च कर दिया, जैसे कि मनवा लागे तो इस पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ से आप सुन सकते हो। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अगर आप सेट करना चाहते हो तो आपको सेट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेट पर क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, तो आप सेट कर लोगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा ट्यून यहाँ पर सेट हो चुका है। याद रहे दोस्तों महीने में आप एक ही बार ट्यून को सेट कर पाओगे, तो सोच समझ कर सेट करना होगा। सो वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।